हम लोग क्लिफ्टन इतवार बाजार बचत बाजार में दाखिल होते हैं तो आप जैसे ही दाखिल होंगे तो सामने ये अल मदीना बिरयानी सेंटर है। छोटी सी इन्होंने शॉप बनाई है, देखते हैं इनकी बिरयानी का क्या सूरत हाल है। इनका बिरयानी क्या 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 प्लेट है? चिकन बिरयानी 200 रुपये प्लेट है। हाँ, और आलू वाली 120 है। आलू वाली 120 है और चिकन बिरयानी 200। क्या कहना चाहोगे नए देखने वालों को बिरयानी के हवाले से? यहाँ पर आए हमारे पास बैठे हैं, खरीदारी करने के बाद आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो, बैठ के बिरयानी खाएं। हमसे टेस्टी बिरयानी मज़ेदार है जी। बस और कब से कर रहे हो? मुझे तो तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो? यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। मतलब ये चलता रहा है हमारे। भाई साहब खा रहे हैं बिरयानी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे लग रही है बिरयानी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जब भी आप बाजार के विजिट पे आए यहाँ लाजमी आए। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट है इनकी पुलाव का। अच्छा। और हमारे फेसबुक पे एक ट्रैगर चल रहे हैं, बहुत ही आला। अच्छा। उसी तरीके से बहुत ही आला चले। सही, थैंक यू सो मच। कितने का है? एक गिलास कितने का है? 50 रुपये का। और ऊपर ये भाई बना रहे हैं गन्ने का गिलास। 50 रुपये का एक है ना जी? 50 रुपये का एक। क्या कहना चाहोगे देखने वालों को जी? देखने वालों को क्या पैगाम दोगे? देखने वालों को ये पैगाम दो, गर्मी में जाने का। अच्छा, इसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है ना? मुझे भी दे दो यहीं से बना के। बिकॉज मैं भी आपके सामने ले रहा हूँ एक गिलास। इन्होंने ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ है गन्ने का। कितने का समोसा एक है? समोसा 20 के 3 है, 50 के 7 है। 50 का 4 है, 7 और 20 का 3। ज़बरदस्त। बिकॉज ये है समोसे वाले भाई, ये इतवार बाजार में बैठते हैं। क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? हाँ, आना चाहिए। चलो। और ये चटनी है, ये चटनी किस चीज़ की बनाई है? चटनी में आलू होता है जी, धनिया, पुदीना, जीरा और मिर्ची, ये मसाले वाले चीज़ें होती हैं। और वीवर जी खीरे की थैली 50 रुपये की है। कि भाई थोड़े शर्मीले जैसे हैं, बात भी करना चाहेंगे। चलो 50 का एक। ज़बरदस्त। कितने का एक टिक्का बोटी? कितने का है? 50 रुपये का है। 50 रुपये का। ज़बरदस्त। टिक्का बोटी 50 रुपये की। व्यूअर्स ये हमारे भाई साहब बना रहे हैं, देख सकते हैं। मैं इतवार बाज़ार संडे बचत बाज़ार पर मौजूद हूँ। अंदर ही ये मिनी शॉप बनी हुई है, ये बना रहे हैं। ज़बरदस्त। कितनी देखो नफासा से बोटियाँ लगाई हुई देखें आप, ये लगाई हुई बनने को तैयार है और ये बने हुए हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ज़बरदस्त है। आप आए इतवार बाज़ार पे भी आए, शॉपिंग भी करें। कबाब खाने का मूड हो तो ये भाई के पास आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बेहतरीन चीज़ आपके लिए ताबेदार, बिल्कुल वेलकम, मस्ट फ्रेश। अच्छा, नहीं वो तो नज़र ही आ रहा है। चीज देखो माशाल्लाह से, आपने बोटियाँ सही लगाई। एक दफा खाओगे बार-बार आओगे। ज़बरदस्त। मज़ा नहीं आया पैसे नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये ज़बरदस्त। कितने की गोश्त सालन की प्लेट? ये 200 रुपये का है। 200 रुपये का है। व्यूअर्स आप सालन का लुक देख सकते हैं, कितने सफाई से, कितनी नफासत से बना हुआ है। और ये अफगानी नान भी है, ये अफगानी पुलाव है। व्यूअर्स माशाल्लाह। ये कितने की प्लेट है? ये 200 रुपए की प्लेट। 200 रुपए की पर ये बिरयानी है माशाल्लाह, अच्छी बनी। ये भी 200 रुपए की प्लेट है। ये मैं 200 रुपए। तो जबरदस्त जी। क्या कहना चाहेंगे नए यहाँ पर इतवार बाजार में आने वालों को? इतवार बाजार तो ये खुश हो जाता है कि हम लोग गरीबों का धंधा हो जाए, अच्छा कमाया है ना सब लोग। अभी तो इंशाल्लाह थोड़ा सी बेहतर हो गया। अच्छा फिर देखिएगा। चलो शुक्रिया। चना चाट की प्लेट कितनी की है? एक 100 की, 120 की, 200 रुपए की, 120, 120 और 100, 200। जबरदस्त व्यूअर, ये देख सकते हैं कितना इन्होंने सफाई का ख्याल रखा है। पहले तो आप ये देखिए, जालियां मालियां फैलाकर इन्होंने रखा हुआ है सामान। आप बिल्कुल मुतमईन होके आ सकते हैं संडे बाजार बचत बाजार में। आए, शॉपिंग करें और जब भूख लगे, खाने का मूड हो तो यहाँ पर ये भाई खड़े होते हैं, इनके पास आ भी सकते हैं और चना चाट भी खा सकते हैं। अब मैं आऊँगा बर्गर की तरफ। ये देखें व्यूवर्स, कितने नफासत से देखें अंडे रखे हुए, ये माशाल्लाह से बर्गर रखे हुए इन्होंने। ये व्यूवर्स ये कबाब, अंडे वाले कबाब है। अच्छा अंडे वाला बर्गर कितने का? शामी कबाब वाला है और अंडे वाला। शामी कबाब वाला कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए का है। ये देख सकते हैं ये आलू कितने की बोतल है? ये बोतल रखी स्लाइस की 80 रुपए। अच्छा ये छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठंडी बोतलें इसके पास है। आप यहाँ आए, प्यास लगे तो इधर यहाँ से ले सकते। चले भी चीज़ दिखाया मैंने, खाने पीने का सेक्शन था यहाँ पर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहोगे यहाँ पर ये जो छोटे मोटे मिनी शॉप बने हुए बिरयानी के, बर्गर के? एक बात आपकी बात के सामने एक बात दूसरी रखना चाहता हूँ, शॉप छोटी है पर जायका इतना बड़ा है कि दिल जीत लिया इन लोगों ने। बहुत VIP जायका है माशाल्लाह। अच्छा इतवार बाजार से भी आप लोग भी कभी आके टेस्ट कर लेना इंशाल्लाह। फिर जो है ना ये मिनी शॉप को भी आप लोग बिग शॉप कहोगे। अच्छा इतवार बाजार से कितना सेटिस्फाई है आप? हम सेटिस्फाई है, बहुत सेटिस्फाई है, पर सबसे पहले इस बिरयानी की वजह से सेटिस्फाई है। अच्छा अगर इस तरह जायका होता है तो बंदा जो है ना रेस्टोरेंट जाने से वजह वो बोलते हैं कि शॉपिंग भी हो जाती है। हाँ। और हमारा जो है ना क्या बोलते हैं कि खाने का कोई अच्छी ढंग की चीज़ भी मिल जाती है, क्योंकि पहले भी कई बार आए, ये नहीं आए हैं ना अभी यहाँ पर, पहले भी कई बार आए, खाना वाना खाया हुआ है, टिक्के खाया हुआ है, सब कुछ खाया हुआ है, पर क्या बोलते मज़ा नहीं आया। अब ये खा के पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ खाने की चीज़ है। तभी माशाल्लाह शटे भी चेक कर ले, अच्छी लग रही है। ठीक है जी, चलो ओके। छोटे नए देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ कहीं ये जो क्या बोलते हैं क्या, और उसके बाद जो इन लोगों का सर्व है वो भी माशाल्लाह बहुत VIP है। तो मतलब ऐसा सर्व है ना कि दिल लोगों का मतलब इखलाक की वजह से आने का दिल करता है। अच्छा। हाँ जब ऐसी चीज़ हो, बंदा स्पाइसी हो। और तो आपको ये बिरयानी में ज़्यादा ऑयली पसंद है या बराबर होना चाहिए? वैसे हम कुछ स्पाइसी मतलब स्पाइसी अच्छा लगता है, पर ये जो है ना ये स्पाइसी भी अच्छा लगा और जो नॉर्मल टेस्ट किया दोनों अच्छे लगे। तो इस दफ़ा जो है ना क्या बोलते हैं, दोस्तों को क्या कहना चाहोगे? दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जो है ना खाने के लिए जाना हो तो इतवार बाजार आए। अच्छा इतवार बचत बाजार तो हाँ इतवार बचत बाजार तो चीज़ें भी मिलेंगी जो आप लोग की ज़रूरत की होगी, खाना भी मिलेगा जो और ज़रूरत की चीज़ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खाने के दौरान वक्त दिया। शाह चलो आओ मशीन दिखाओ व्यूवर, ये सिखाने कितने का गिलास है? एक। चलो व्यूवर ये भी 50 का दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे नए देखने वालों को? अच्छा से हाँ और ज़्यादा बीमारों के लिए अच्छा है, यहाँ पर आना चाहिए ना। चलो शुक्रिया।